Hello all, welcome back to our channel Pyushana Pudal Accounts. ये सेशन सिंपल्स पे हाँ वह बीकॉम का ही है, सेमेस्टर सिक्स का ही है, प्रोसेस ही है, भले एक दूसरा लग रहा हो. द नेक्स्ट पैटर्न विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज ज्यादा कुछ नहीं है. यहाँ पे प्रोडक्शन में निकालूंगा, आधा आगे भेजूंगा, आधा वहीं पे रखूंगा. फॉर एग्जाम्पल अब मेरी जेब में दो दो पेन है, एक छोड़ के इसको पकड़ लेते हैं. ओके, ये पेन टोपन अलग है, अंदर की रिफिल अलग है, बराबर. और अगर मैं टू टू की वाला पेन पकड़ लू तो उसकी स्प्रिंग अलग है, ठीक है. दैट मींस दोस पार्ट्स ऑफ प्लास्टिक, द रिफिल एंड द स्प्रिंग आर डिफरेंट एंड देन दे आर असेंबल्ड टुगेदर, बराबर. तो रिफिल दुकान में आपको अलग से मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है. प्लास्टिक पार्ट नहीं मिलते, लेकिन आपको रिफिल अलग से मिलती है. स्प्रिंग चाहिए तो अलग से मिलती है, प्लास्टिक की बॉडी नहीं मिलती. सो स्प्रिंग और रिफिल के प्रोसेस में क्या पूरे का पूरा सिर्फ पेन में ही डाला के एक्स्ट्रा खुद के पास भी रखा? ऑब्वियसली रखा, तभी वो लोग बेच पा रहे हैं सिंपल अलग से, बराबर. सो नथिंग मच, ये नॉर्मल मेथड से इजी है एक्चुअली, कि आपका जो प्रोडक्शन है उसमें से फ्यू पार्ट विल गो टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड फ्यू पार्ट विल गो टू द वर्क. लेट अस रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. वंस आई रीड द क्वेश्चन the concept will be more easy for you to understand. Messrs. XYZ company manufacture a chemical which passes through three processes. कितने process है? Three. Well, तो process one, process two, process three. Everyone is comfortable कि मैं ऊपर का सब नहीं लिखता, भी particulars और दस्ते. Well, the following particulars gathered for the month of Jan 2020. Materials in liters. तो याद रखना कि यहाँ पे first column will be liters instead of units. हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे? लीटर्स, रेट पर लीटर एंड अमाउंट. क्लियर? सो 400 लीटर्स और टोटल अमाउंट दिया है 38400. डोंट कंसीडर इट एज योर रेट पर यूनिट. ओके, सो 400, 38400, विच इज 7680. नॉर्मल लॉस 4% उन्होंने बोला है, तो 4% 400 का 4% 16, बराबर. स्क्रैप वैल्यू डैश, तो डैश डैश मार दिया. आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 50%, यानी प्रोसेस टू में कितना जाएगा? 50%, और बाकी 50% कहां जाएगा? वेयरहाउस. बट देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इसके लिए मैंने रोक दिया. ओके, सिमिलरली अच्छा फॉर प्रोसेस टू, यहां का आउटपुट जो आएगा कितना आई डोंट नो, इसके लिए मैंने उसको ऐसे रख दिया है. मटेरियल 208 एट द रेट ऑफ 18,800. अमाउंट दे आर गिवन, वेजेस 7,600 दे आर गिवन, बराबर. नॉर्मल लॉस 5% दे हैव गिवन, बराबर. बट वो कितना आएगा आई डोंट नो. एंड एक्सचेंज वैल्यू दे हैव गिवन 3. नेक्स्ट प्रोसेस में 40%, वेयरहाउस में 60%. क्लियर? सिमिलरली फॉर प्रोसेस 3, कितना आया ऊपर से आई डोंट नो, बट आई हैव इंट्रोड्यूस 168 एट द रेट एट द अमाउंट ऑफ 6000, व्हिच इज 2200, बराबर. नॉर्मल लॉस 5%, नो एक्सचेंज वैल्यू, सो डैश डैश. और उन्होंने बोला 100% ट्रांसफर टू वेयरहाउस. ऑब्वियसली लास्ट प्रोसेस का कहां जाता है? फिनिश स्टॉक, बराबर. तो बाय वेयरहाउस या बाय फिनिश स्टॉक ट्रांसफर टू वेयरहाउस या बाय फिनिश स्टॉक लिखा तो भी चलिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 100% ओवरहेड आर चार्ज एट 50% ऑफ वेजेस. तो मुझे कैसे की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग को अगर लगता है तो यहीं से कैसे ले लेने का, बाकी सब तो मैंने लिख दिया ना ऑलरेडी, बराबर. तो कैसे एक ही बार हाथ में लो और बात खत्म करो. तो 50% ऑफ 7680 इज 3840, 50% ऑफ 7600 इज 3800, एंड 50% ऑफ 2200 इज 1100. यस, क्लियर? बड़े आगे ठीक है, नो प्रॉब्लम. अभी माय इनपुट वाज हाउ मच? 400. आई गेस आई शुड कम अहेड सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. 400 माइनस कितना लीटर वेस्ट गया? 16. यानी कि आउटपुट कितना हुआ? 384, बराबर. इनटू 50% 192 कहां जाएगा? प्रोसेस टू में. एंड 192 कहां जाएगा? गोडाउन में, यानी कि वेयरहाउस में. बट आई नीड टू फाइंड द रेट पर यूनिट ऑफ 384 यूनिट्स. तो 38400 प्लस 7680 प्लस 3840, दैट इज 49920, बराबर. सो 49920 400 पूरा हो गया. 49920 कितने यूनिट के लिए है?
384, राइट। सो डिवाइड बाय 384, या फिर उसको डायरेक्ट 50% कर दो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 24960 आ जाएगा, लेकिन मुझे रेट पर यूनिट ढूंढना है, सो इसके लिए डिवाइड बाय 384, क्लियर। 130, सो 130 एंड 130, क्लियर, इंटू 192 जो करते आए हैं वही करो तो भी नो प्रॉब्लम। 24960 एंड 24960, क्लियर, इंटू 2 वही बार करके देख लो कि सही आ रहा है 49920, तो हम लोग सही। ओके, नाउ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज द इनपुट ऑफ प्रोसेस 2, बराबर। 192 एट द एंड ऑफ 130, सो 24960, क्लियर। अब 192 प्लस 208, टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, 400, एंड नॉर्मल कॉस्ट दैट इज हाउ मच, 5%। तो 400 का 5% यानी कि 20, बराबर। 20 आई एम सेलिंग एट द रेट ऑफ 3 पर लीटर, यानी मैं कितना कमाऊंगा, 60, क्लियर। नाउ 400 माइनस 20, प्रोडक्शन कितना होता है, 380, बराबर। 400 माइनस 20, 380, 400 माइनस 20, ये हो गया, इंटू 40%, कितना है, 152, ये जाएगा प्रोसेस 3 में, एंड 60%, 22 अपना कहाँ गया यार, 380 का मैंने परसेंट दिलवा दिया ना, इंटू 60%, 228, ओके। फाइंडिंग द रेट पर यूनिट इज द डिफिकल्ट टास्क, तो ठीक है मैं वहां पे आ जाता हूं। अब 380 अपने दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सो 24960 प्लस 18800 प्लस 7600 प्लस 3800 कितना आया, 55160, बराबर है। तो 55160 माइनस 60, बराबर कितना आया, 5500 डिवाइड बाय 380, क्लियर। तो रेट पर कितना बना मेरा, 145, राइट। 55160, ठीक है, 55160, ओके। तो इनटू 152 इज इक्वल टू 22,040 एंड 228 इज इक्वल टू 33,060, ओके। मैंने रेट पर नहीं लिखा, तो लिखते हैं 145। अब यहाँ का आउटपुट वो प्रोसेस 3 का इनपुट, राइट। सो 152 एट द रेट ऑफ 145 दैट कम्स टू 22040, राइट। अब 152 प्लस 168 यानी इनपुट कितना आया, 320, 320 पे 5% मेरा लॉस है, ओके। तो इनटू 5% यानी कि 16, नो एक्सचेंज वैल्यू, सो डैश, ठीक है। तो 320 माइनस 16 फिनिश गुड्स में प्रोडक्शन कितना जाएगा, 304 यूनिट्स, बराबर। 22040 प्लस 6000 प्लस 2200 प्लस 1100 कितना हुआ, 31340 माइनस कुछ नहीं, 31340 डिवाइड बाय 304, तो माय रेट पर यूनिट इज 103.92, तो 909, सॉरी 092 है, तो 103.09, वेरी हार्ड है ना, कितना हार्ड था, ओके। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बस यही याद रखना अपने को, इतना सिंपल है, एक्चुअली सिंपल है वो चीज, ओके। बट ओनली द थिंग इज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट, गलती से अगर आप लोगों ने इसको रेट पर दे दिया गया, गलती से इसको कुछ रेट दे दिया गया, ओके। बी वेरी अलर्ट फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द यूनिट्स, अगर यूनिट्स बराबर से है तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। मैं भी काफी सालों बात कर रहा हूं, इसके लिए मुझे भी गड़बड़ हो गई देखो आज, राइट। और हम तो बिना एडिट वाले ही रखते हैं, पीयूष राणा अनएडिटेड, तो वीडियो तो वही रहेंगे गलतियों के साथ। टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना और सीखते रहना।